हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई हो आप सब अच्छे होंगे। कुकिंग विद किरण चैनल पर आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए टेस्टी सी ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 पीस ब्रेड के किनारों को काट कर इस तरह से ले लिया है और किनारों का मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिया है। और इसके बाद आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो, मैंने यहाँ पर 2 आलू को बॉयल करके ग्रेट करके ले लिया है, 1 मैंने गाजर को ग्रेट करके ले लिया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चीज़ ग्रेट करके लिया है और थोड़ा सा बीट रूट मैंने ग्रेट कर लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 2 हरी मिर्च मैंने कटिंग कर ली है, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया और नमक 1 चम्मच और ये ब्रेड क्रम्स, ब्रेड के जो साइड बचे थे उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। तो सबसे पहले ये जो हमने सब्जियाँ ली हैं, आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इसे आप चाहें तो 1 चम्मच ऑयल डालकर उसमें इसे भूनकर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत हेल्दी वे में बना रही हूँ इसलिए मैं इसे भूनूंगी नहीं, मैं इसे इसी तरह से बनाऊंगी। तो मैंने इसमें जितनी भी सब्जियाँ, चीज़ लिया था, सभी कुछ मिक्स कर लिया है, नमक और थोड़ा आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं या अगर अमचूर पाउडर ना हो तो चाट मसाला। अब इस तरह से हम यहाँ पर छोटी छोटी सी बॉल इस तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे और बॉल आप एकदम बहुत बड़ी भी मत बनाइएगा, बहुत छोटी भी नहीं, जिस हिसाब से ब्रेड के अंदर हमें इसे स्टफ करना है तो बाहर भी ना निकले और बहुत छोटा भी ना रहे। तो इस तरह से आप मीडियम साइज़ की बॉल बनाकर रेडी कर लीजिएगा और ये जो मैंने मैदा लिया था उसका हम एकदम पतला सा यहाँ पर घोल तैयार करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम बिल्कुल हमें इसे पतला ही घोल तैयार करना है। और एक हम थोड़ा सा गहरा बर्तन लेंगे और उसमें मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ, पानी की जगह पर आप यहाँ पर दूध भी ले सकते हैं लेकिन पानी से भी ये बन जाता है ब्रेड रोल। तो इस तरह से हमें इसमें दोनों साइड से डिप करके और इस तरह से हाथों से प्रेस करके जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो हम इसमें से निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने पानी निकाल के और ये जो हमने यहाँ पर सब्जियों की बॉल बनाकर रखी थी इस तरह से हम उसके चारों तरफ से हमें उसके अंदर इसे इस तरह से स्टफ करना है। आप चाहें तो इसे गोल शेप में भी बना सकते हैं या चौकोर भी बना सकते हैं, जैसे भी जिस भी शेप में आपको बनाना है उस तरह से आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने सारे रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये जो मैंने मैदा का घोल तैयार करके रखा था उसे भी मैं यहाँ पर ले लूँगी और इसके अंदर हमें इसमें डिप करना है और बहुत देर तक हम इसमें नहीं छोड़ेंगे नहीं तो ये बहुत सारा पानी सोख कर लेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हमने जो ब्रेड क्रम्स बनाया था उसमें हम चारों तरफ इसे अच्छे से कोट कर लेंगे, इसे हम साइड में रखेंगे और इसी तरह से हम सारे अपने ब्रेड रोल को ब्रेड क्रम्स में इसी तरह से कोट करके, और ये देखिए मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। गैस पर मैंने ऑयल कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसमें एक एक करके इस तरह से अपने ब्रेड रोल डाल के इसमें हमें फ्राई करना है। तो पहले आप फ्लेम को हाई रखिएगा, फिर आप मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करिएगा, नहीं तो तेल बहुत सारा सोख कर लेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि मीडियम टू इसे हाई फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है और चारों तरफ इस तरह से पलटते हुए आप एकदम अच्छे से इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लीजिएगा। और ये ब्रेड रोल हमारे फ्राई होकर तैयार है। अब हम एक टिश्यू पेपर पर इसे निकाल लेंगे जिससे जो भी इसका एक्स्ट्रा तेल हो वो सब निकल जाए और आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। और ये लीजिए टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी ब्रेड रोल हमारे इस तरह से बनकर तैयार होते हैं और इसमें बहुत सारे मसाले और बहुत सारा ऑयल कुछ भी मैंने नहीं ऐड किया है, इसलिए बहुत हेल्दी वे में ये ब्रेड रोल बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस टेस्टी सी रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कुकिंग विद किरण चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।